नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लास्टिक के बैग्स हैं वो बैन कर दिए गवर्नमेंट ने, और जो भी आपके चीज़ हाथ में है ये चीज़ टोटली यूजेबल है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है। जिस तरह कटलरी देख रहे हैं आप, गत्ते की प्लेट, गत्ते की पाइप, लकड़ी के फोग और चम्मच है तो विद लाइसेंस वाला होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ें ही यूज़ करें, दूसरा प्लास्टिक इसमें यूज़ ना करें, क्योंकि वो टोटली बैन है। उस पर फिर फाइन है, 5,000 से स्टार्ट है। जो भी यूज़ करता पाया गया, चाहे कोई बेच रहा है या कोई खरीद रहा है, दोनों के चलान है। तो इस चीज़ का आप लोगों को पहले हमने मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से स्टार्ट किया कि पहले मार्केट वालों को अवेयर करें, क्योंकि आप लोगों के डेली लोगों का आना जाना रहता है। तो आप उनको यही बोलें कि अपना या तो कोई भी आपके यहाँ सामान खरीदने आता है उनको यही बोल दो करें, या तो आप अखबार का अपने घर से लेके आओ, या हम तो अखबार का ही देंगे, हमारे पास अखबार का ही बैग है, ठीक है। या फिर कपड़े के बने हुए बैग आते हैं वो यूज़ करो, अपना धोया धोया फिर तुम्हारे काम में आ जाता है। सभी को आपने अवेयर करना है इस बारे में, ठीक है। कोई भी मतलब जो मानो फ्राइज सिंगल यूज प्लास्टिक आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना किसी भी दुकानदार में, ठीक है। अब जो भी लोग आएंगे उनको आप बताएंगे कि भैया अपना कपड़े का बैग लाओ, हम तो उसी में सामान देंगे, किसी का उसे ध्यान रखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब बिल्कुल यूज़ नहीं करना, किसी पर चलान की कार्रवाई होगी, चलान होगी, ठीक। लोगों को ना इसके बारे बताओ, जो भी ग्राहक आते ना आप लोगों के पास उनको बताओ, या तो अप्रूव लिफाफे लेके आए या फिर कपड़े से बना हुआ लिफाफा, ठीक। दूसरे में बिल्कुल नहीं लेना है, मना करा करो उनको, मना करा करो। हाँ, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, तो उसका पूरा ध्यान रखो। हाँ, मंडी वाले को भी मना करो, क्या हमें इसमें पता क्या, ये एक बार यूज होता है उसके बाद फेंकना पड़ता है, सिंगल यूज बैन है, तो उनको आप मना करो, ठीक है। नारियल पानी के लिए पाइप कैसे यूज करें, अच्छा गत्ते की हाँ कागज, ठीक है, ये अप्रूव है। प्लास्टिक की नहीं यूज़ करनी भाई, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, ठीक है। गत्ते वाली, हाँ गत्ते वाली आपने यूज़ करनी है, कैरी बैग चेक करा दो, ठीक है। अखबार वाली यूज़ करो, कैरी बैग कौन से यूज़ करें, यही यूज़ करते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं यूज़ करता, अखबार में डाल के देता है। लोगों को बताया करो कि आपका क्या नाम है, कपड़े का लिफाफा लेके आए, कपड़े के लिफाफे में डाल के, वो बहुत भले ही लेके आते हैं हमारे पास जो बहुत आते हैं, मतलब कोई और भी आए ना उसको यही बताओ, मतलब जो अप्रूव लिफाफा या तो बोलाओ या फिर अपना वो कपड़े का झोला लाओ, छोटे झोले कपड़े जिन में पाते हो ले आते हैं, सामान डाल के लेना है, किसी को सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करना। कैरी बैग कौन से यूज़ कर रहे ये यूज़ करने हैं, और जो पॉलिथीन वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है, ठीक है। जो अप्रूव है केवल वही यूज़ करने हैं, ये लिफाफे या अगले को बोल लो कि भाई अपने कपड़े का बैग लेके आ करो घर से, उसी में लेके, हाँ जितने भी लोग आपके पास आते हैं सबको ये बोलना भाई अपने कपड़े का बैग लेके आओ, उसमें हम देंगे, प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण बैन है। मैं इस मर्जी पर धानू मोहित गुप्ता नाम मेरा, क्या कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहता हूँ हम तुम्हारे पास वैसे कोई कस्टमर आता है उसे पहले ही कागज़ के लिफाफे में देते हैं, और बाकी उसे ये भी बोलते हैं कि अपना थैला लेके आओ, क्योंकि कस्टमर को कागज़ में दिक्कत होती है, उसको बोलते हैं थैला लेके आओ कपड़े का, जो आपके कपड़े में लिफाफे ले जा लेके जा सकते हैं वैसे, और एक लिफाफा हम यूज़ करते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। अच्छा, और हमें समय समय इंस्पेक्टर भी आते हैं, वो हमें अवेयरनेस कर रहे थे, बाकी हम सारे कोशिश करते हैं सफाई में ध्यान रखें, अपना सफाई का ध्यान रखें। तो आप सफाई का ध्यान रखते हैं पूरा? हाँ पूरा ध्यान रखो, ज्यादा सफाई हमारे पास, आपकी मार्केट में सफाई है, पूरे मार्केट कोई भी यूज नहीं करते हैं ना, सिंगल यूज सारे लिफाफे यूज करते हैं। एरिया इंस्पेक्टर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एरिया सर समय समय पर हमें गाइड करते हैं आके हमें। अच्छा, आपका कभी चलान कटा है? नहीं भी तो नहीं कटा, ठीक है। सर जो आज अवेयर किया है आपको, ये किस चीज को लेकर किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर मेरा नाम अजय मट्टू है, मैं मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का वाइस प्रधान हूँ। आज दविंदर जी अपने जो इंस्पेक्टर साहब हैं वो आए थे, तो उन्होंने हमें अवेयर किया सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, जिसमें स्पेशली उन्होंने कटलरी के बारे में हमें अवेयर किया और पॉलीथीन के बारे में अवेयर किया, कि जो कि कस्टमर, उन्होंने सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात कही कि भी अगर कस्टमर मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बाद दूसरा प्लास्टिक लेके आता तो उसका भी चलान होगा और दुकानदार के भी चलान होगा जो बैग दे देगा।
तो बाकी हमने अपने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि भी हम अपने एसोसिएशन की तरफ से हर किसी दुकानदार को अवेयर करेंगे, अपने शॉप से हर किसी दुकानदार के पास जाएंगे उसको अवेयर करेंगे कि भी स्पेशली कटलरी के बारे में जितने भी फास्ट फूड की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, उनको अवेयर करेंगे कि भी आप स्ट्रॉ जो है वो प्लास्टिक का यूज़ किया जाए, पेपर बैग का यूज़ इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक की जगह पेपर बैग का यूज़ करेंगे, और जो लकड़ वाला फोक है स्पून है उसका यूज़ किया जाए। किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पे? हमारे पास फास्ट फूड की दुकान है जी, खाने पीने की दुकान है। फास्ट फूड का मैक्सिमम देखा है कि लोग प्लास्टिक के सामान में पैक करके देते हैं, कि कहीं ना कहीं आप इससे पहले अवेयर थे कि आज? बिल्कुल अवेयर था जी, देवेंद्र जी ने हमें इंस्पेक्टर साहब ने पहले भी अवेयर किया था, और हम इस चीज़ को बिल्कुल विद रेस्पेक्टली रिगार्ड करते हैं कि भी हम हमेशा ही कोशिश यही रहती है कि 102% कोशिश यही रहती है कि जी हम कोई प्लास्टिक का यूज ना ही करें। एमसी देवेंद्र रोहिला जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि लगातार उनके? हाँ जी, वो लगातार हमें, हम उनके थैंकफुल है, लगातार वो हमें अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, और बड़े ही कोऑपरेटिव टाइप से, मतलब जस्ट लाइक ए फ्रेंडली अवेयर कर रहे हो। और स्पेशली उन्होंने कहा कि अगर आगे से ये यूज़ किया जाएगा तो 5,000 का मिनिमम चलाना है। थैंक यू जी। आपका? मेरा ही पवन बोल है। क्या कहना चाहेंगे अंकल प्लास्टिक के कैरी बैग को लेकर, क्योंकि बैन कर दिया गया, क्या नुकसान हुआ? देर से हमें मतलब वो कर रहे हैं, इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि ये मतलब अब तो सालों की बात हो गई, सिंगल यूज बिल्कुल बंद कर दो, तो हम तो पेपर बैग यूज कर रहे हैं। क्या काम करते हैं? हम स्टेशनरी की दुकान है। स्टेशनरी की दुकान, हम कोई सिंगल यूज हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही यहाँ मतलब मार्केट में। क्या कहना चाहेंगे वो? मतलब देखो ये अवेयर करने के लिए वो मतलब बहुत एफर्ट्स करते हैं, हर एक को टाइम टू टाइम आते हैं और अवेयर करते हैं हमसे। ठीक है सर, जो आज आपने जागरूक अभियान चलाया सर जी, उसके बारे में थोड़ा सा बताया सर क्या? हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे हमें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो बैन है उसके ऊपर ड्राइव चलाई हमने आज। आज हमने मार्केट और वेंडर मार्केट्स और जो लोकल मार्केट है उनमें जाके लोगों को अवेयर करें सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में, कि सिंगल यूज़ का ना प्रयोग करें, और पब्लिक का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। देखा हमने अब कटलरी जिस तरह लकड़ी की यूज़ हो रही है, जो पाइप होते थे प्लास्टिक के वो गत्ते के यूज़ हो रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताया जी। ये MSC की मार्केट में चलाया जी, एक वेंडर मार्केट है MSC में, और भविष्य में हमें NSC और बाकी अदर मार्केट्स में जा के लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में। हाँ, काफ़ी हद तक जी। मोस्टली क्या है कि दुकानों के लोग संपर्क में आते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पे आते हैं, तो मार्केट वाले भी उनको अवेयर करें, फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल लेने, लोग जनरल पब्लिक डेली जाती है, तो वो वहाँ उनको बोल के आए कि आप लोगों को भी बताएं कि आप कपड़े का बैग यूज़ करें, अखबार का बना हुआ बैग यूज़ करें, इस तरह के बैग यूज़ करें, क्योंकि डेली डीलिंग होती है उनकी जी। बस जी, आप अर्थ प्रकाश चैनल के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक गवर्नमेंट ने बैन किया है, तो आप सब लोग उसमें सहयोग करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। गत्ते के बने हुए और कागज के, अखबार के बने हुए और जूट के बने हुए, इस तरह के लिफाफे प्रयोग करें, ताकि बढ़ता है सर, तो उसके कितने का फाइन भरना पड़ेगा? मिनिमम 5,000 का चलान है, और फिर उसके ऊपर ज़्यादा क्वांटिटी तो उससे ज़्यादा का, और सजा का प्रावधान भी है इसमें जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।